गलियों में मिलती हो वहां मैं खूब सजाता हूं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ विद्यासागर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आपको जितने भी फ्रेशर्स पार्टीज के वीडियोस देखने हैं आप देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दूसरा, प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं, मेरे लाइव शोज के वीडियोस देख सकते हैं, आप लाइव परफॉर्मेंस के वीडियो देख सकते हैं, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और प्लेलिस्ट सेपरेट बना हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और बहुत सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कॉलेज से रिलेटेड, तो आप वॉच कर सकते हैं। और अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, विद्यासागर कुणाल मेरी आईडी का नेम है, तो वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। माय नेम इज कार्तिक, आई बिलोंग टू लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। प्रेजेंटली आई एम परसिंग बीटेक फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग सेक्टर। माय ब्रांच इज सिविल इंजीनियरिंग। आज ब्रेकर पार्टी आप लोगों को दिया जा रहा है। मैं आप लोगों के सामने दुष्यंत की कुछ पंक्तियाँ सुनाने जा रहा हूँ। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, सर्द ये दिख के दुनिया हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अभी हम लोग जानते हैं कि शक्ति का प्रदर्शन करना जरूरी होता है, बिना एनर्जी के हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। तो कहां शक्ति का यूज करना है और किसको क्षमा कर देना है, इस शक्ति और क्षमा पे रामधारी सिंह रचित द्वारा हम कुछ पंक्ति पेश करने जा रहे हैं। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सब का लिया सहारा, पर्णर व्याग सुयोधन से कहो कहां कवारा। क्षमाशील और कुसमक तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट बड़ों ने तुमको काया समझा उतना ही। क्षमा सो भी उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। तीन दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंह किनारे, बैठे पढ़ते रहे चंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी नहीं उठा सागर से, उठी अधीर धड़क पर से आग राम के सर से। सिंधु दे धर त्राय त्राय करता गिरा चरण में, चरण को दासा क्रम के बदा मोड बंधन में। सच जो तो सर में ही बसती है दिव्य विजय की, संधि वचन सब पूज्य उसी की जिसमें हो सकती है विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी खुजता जगे, बल का दर्द चमक आ जाओ उसके पीछे जगह। थैंक यू। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम तो होने दे, अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम तो होने दे, मैं खुद लौट आऊंगा मुझे नाकाम तो होने दे। मैं खुद लौट आऊंगा मुझे नाकाम तो होने दे, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम पहले मेरा नाम तो होने दे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आंखें जिनकी मस्त है डांस में भी जबरदस्त है, जिनके मुस्कानों का कोई जवाब नहीं, जिनके मुस्कानों का कोई जवाब नहीं, हर बात में वो फर्स्ट है। तुम्हारा और मेरा वो पहली बार मिलना, तुम्हारा और मेरा वो पहली बार मिलना, थोड़ी सी शर्मा तुम भी रही थी, थोड़ा शर्मा मैं भी रहा था। यूं तो होठों को सब नहीं मिल रहे थे कुछ बात करने को, पर दिल चाहता था तुमसे बातें करने को। यूं तो होठों को सब नहीं मिल रहे थे तुमसे बातें करने को, पर दिल चाहता था कुछ बातें करूं। ज्यादा कुछ कह नहीं पाया तुमसे, ज्यादा कुछ कह नहीं पाया तुमसे, मसला ये था कि बात करूं तो क्या करूं, मसला ये था कि बात करूं तो क्या करूं, पर वो शाम बरसातों वाली थी, वो शाम हमारी पहली मुलाकातें वाली थी, जिसकी हर एक बूंद शायद यह कह रही थी तू थोड़ी देर और रुक जा, तू थोड़ी देर और रुक जा, जान ले एक दूसरे को, जान ले एक दूसरे को, कुछ पल साथ बिता ले। वो हाँ वो शाम बरसातों वाली थी, वो शाम हमारी पहली मुलाकातों वाली थी। नाउ आफ्टर दैट अब यू
सिलसिला जारी है। अचानक दिल को क्यों इतना सुकून मिल जाता है, तेरा चेहरा जब मेरी आंखों के सामने आता है। दिल ये तेरा होने को तैयार होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा रोज तुमसे प्यार होता जा रहा है। थैंक यू। उलझन इस बात की थी कि उसे अपने दिल की बात कहूँ या ना कहूँ, इसी उलझन को मैं अपनी पंक्तियों में बयां कर रहा हूँ। गौर फरमाइएगा, जरा सा देख लो मुझको ये अरमां सजाता हूँ, न जाने मिलती नजरों को मैं फिर चुराता हूँ, कागज के नावों को लहरों में डुबाता हूँ, कि जिनसे नजरें मिलानी है उसी से क्यों छुपाता हूँ। मैं अपने प्यार का इजहार तुमसे आज करता हूँ, ये मेरा प्यार है समझो न कोई समाचार कहता हूँ। अगर झूठी लगी बातें मेरी आंखों में पढ़ लेना, जुबां जो कह न पाया वो मेरी धड़कन में सुन लेना। अब मौसम शुरू होता है मिलने और मिलाने का। अच्छा, गौर फरमाइएगा कि जिन गलियों में मिलती हो वहां मैं खो सजाता हूँ, चंद लम्हों की बरकत में सदियां बिताता हूँ। रख लो पास हमें अपने, चले क्यों जाते हो मिलके, कि कोई पूछे तो बतलाना किराएदार है दिल के। एक टाइम ऐसा आता है जब उसके घर वालों को पता लग जाता है, तब के हालातों को बयां कर रहा हूँ, सुनिएगा। तेरे हाथों की मेहंदी में मैं अपना नाम ढूंढता हूँ, मगर आऊं मैं घर कैसे तेरे बापू को चुभता हूँ। वो खत कैसे तुझको जो मैं हर रोज लिखता हूँ, मैं आता हूँ गली तेरी तो सासू को दिखता हूँ। आफ्टर दैट वो मुझसे कहती है, वो तुझको देख के कहते हैं ये कैसा हाल तेरा है, कहूँ कैसे ये उनसे कि यही हाल मेरा है। कि बिन बोले ही बतला दूँ जो तू खत में लिखता है, कि सच्चा है ये तेरा प्यार तेरी आंखों में दिखता है। आखिरी की चार पंक्तियों में मैं इस कहानी का अंत बताऊंगा। रात वो याद है मुझको जिसने रुलाई है, करवट भी बदल ली तो कहां नींद आई है। तेरी हर बेवफाई का हमने इल्जाम लगाया है, रेत का महल मेरा की बारिश ने भिगाया है। थैंक यू मनमोहन। जोरदार तालियां बजाइए शिवम स्वरूप के लिए।